मैं करण सिंह वजीर, सुपुत्र स्वर्गवासी त्रिलोचन सिंह वजीर और सभी परिवार वालों की तरफ से पहले तो आप सब मीडिया के आए भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं और आप सब का आभारी हूं कि आप सब हमारे बुलावे पर आए। आपके माध्यम से हम अपनी बात जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और भारत के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी तक पहुंचा सकें, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारा परिवार मीडिया से इसलिए रूबरू नहीं हुए क्योंकि अभी तक दिल्ली क्राइम ब्रांच इस केस की जांच पड़ताल कर रही है, मगर कुछ दिन पहले हमारे साथ एक वाक्य हुआ जिस कारण हमें आज एकत्रित होना पड़ा। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जब हमें पता चला कि वो जम्मू गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना चाहते हैं, तब सिक्योरिटी एजेंसी ने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फतेह सिंह जी के साथ रابطہ किया तो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी चांद नगर में माननीय गृह मंत्री जी के आने का कार्यक्रम 24 अक्टूबर शाम 4:15 से 4:30 तय किया गया। आप सब भली भांति परिचित हैं कि मेरे पिता त्रिलोचन सिंह वजीर, जो पूर्व MLC, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चेयरमैन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन रह चुके हैं, उनकी 3 सितंबर 2021 को दिल्ली में कैसे निर्मम हत्या की गई, उसी संबंध में हमारा पहले से ही गृह मंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम दिल्ली में बन रहा था, मगर जब हमें पता चला कि वो जम्मू गुरुद्वारा साहिब में आ रहे हैं तो हमने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फतेह सिंह जी से बात की कि हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं और मेमोरेंडम देना चाहते हैं कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच को बोलें कि जल्दी से जल्दी चौथे मुजरिम को पकड़े और जो साजिशकार हैं इस हत्याकांड के वो जल्द से जल्द बेनकाब हों। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और तमाम संस्थाओं ने मिलकर एक आवाज़ में त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड में साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की श्री अमित शाह जी से गुहार लगाने की मंशा जाहिर की और सबने मिलकर एक मेमोरेंडम तैयार किया। फिर अचानक 23 अक्टूबर शाम 7 बजे जनरल सेक्रेटरी को पता चला कि श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम डिगियाना आश्रम गुरुद्वारा साहिब आने का बन गया है, तो हम सब मिलकर 24 अक्टूबर को सुबह महंत मंजीत सिंह जी, जो कि वहां के मुखी हैं, उनसे मुलाकात की और श्री अमित शाह जी से मिलने की और उनको मेमोरेंडम देने की बात की। उन्होंने बोला कि श्री अमित शाह जी से हमें मिलवा देंगे और मेमोरेंडम में त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड में जो साजिश करता है उनको बेनकाब करने का आग्रह करेंगे। हम वापस आ गए और शाम को जब श्री अमित शाह जी के आने का वक्त था, हम सब संस्था के आदमी मिलकर डिगियाना आश्रम गुरुद्वारा साहिब गए तो हम सब ये देखकर हैरान हो गए कि स्वर्गवासी त्रिलोचन सिंह वजीर, जिनके हत्याकांड की FIR में जिनका नाम है, वो माननीय गृह मंत्री जी को संबोधित कर रहे हैं। वहाँ सब सिख कम्युनिटी के लोग और तमाम संस्था के जो लोग वहाँ गए हुए थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, मगर हमने डेरे की इज्जत और श्री अमित शाह जी का मान रखते हुए कि ये तो उनकी गलती है जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, हमने सबसे रिक्वेस्ट की कि हम प्रोग्राम के बाद श्री अमित शाह जी से 5 मिनट का वक्त लेकर बात करेंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे। मगर बड़ा अफसोस तब हुआ जब देख के गुरु महाराज की हजूरी में ऐसे बंदे ने ना तो गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी का आन बान शान की परवाह की और ना ही कहीं मेमोरेंडम में त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड के बारे में कुछ लिखा था और ना ही भारत के माननीय गृह मंत्री जी, जो हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन के लिए आए थे, जिनको जम्मू की संगत सुनना चाहती थी, मगर उनका टाइम भी इसी इंसान ने खा लिया। हम माननीय गृह मंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए और सिखों का मान रखा। वो भी बिना बोले ही वापस चले गए क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना कार्यक्रम
बताया हुआ था। मैं तमाम हमारे सिख कम्युनिटी के भाई बंधुओं से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने सुदर्शन सिंह वजीर को नियुक्त किया था? क्या ये प्रोग्राम भी साजिश के तहत ही गुरुद्वारा श्री गुरु नानक चांद नगर से डिगियाना आश्रम में त्रिलोचन सिंह वजीर हत्याकांड को दिशाहीन करने के लिए किया गया था? आज हमने आप सबको इसलिए कष्ट दिया है क्योंकि आप सब मीडिया मित्रों के भी त्रिलोचन सिंह वजीर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। वो हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंद की आवाज़ रहे थे। आप सब मिलकर हमें इंसाफ दिलवाएं। हमारी आवाज़ को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के LG माननीय श्री मनोज सिन्हा जी तक पहुंचाएं। हम पहले भी एक बार श्री मनोज सिन्हा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड के साजिशकर्ता को बेनकाब करने में पूरा प्रयास करेंगे। हमें भारत के न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। कोई भी साजिशकर्ता कुछ समय के लिए अपने आप को छुपा तो सकता है मगर कानून की नज़र से बचा नहीं सकता। हम माननीय गृह मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि वो इस केस में वो अपने हस्तक्षेप से त्रिलोचन सिंह वजीर और उनके परिवार को इंसाफ दिलवाएं। मैं फिर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आप आगे भी सच की आवाज़ बनकर इस हत्याकांड की गुत्थी का सुलझाने में त्रिलोचन सिंह वजीर और उनके परिवार का पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ये जो नाम आए हैं वो FIR जो है वो हम आपके साथ इस प्रेस रिलीज के साथ शेयर करेंगे। आपको उस प्रेस रिलीज में और FIR में वो सब नाम का पता लग जाएगा। हमारी FIR में वो सब जिक्र हुआ हुआ है, कौन से साजिश करता है और किन एक्यूज का नाम आया हुआ है, उन सब का FIR में सब जिक्र किया हुआ है। नहीं, FIR में जो आपके साथ हम शेयर करेंगे प्रेस रिलीज में। ये एक साजिश जो की गई है जिसके तहत इन लोगों ने कैसे, जहाँ एक प्रोग्राम गुरुद्वारे का था वहाँ से शिफ्ट होके डगियाना आश्रम चला गया और वहाँ पे एक ही बुलारा है जो बोलता है, जिसको हमने देखा है कि FIR में जिनका नाम भी शामिल है। तो इन चीज़ों को हम आज आपके साथ माध्यम से बताना चाहते थे। जी, अभी तक हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से फॉलो अप भी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमें संतुष्टि है कि इन चीज़ों पे हमें उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन जब तक चौथा शख्स जो एक्यूज्ड है हरप्रीत सिंह खालसा, उसकी अभी पूर्ण पकड़ाव से गया नहीं है और उसके बारे में अभी हम फॉलो अप कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के साथ और वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, इसका आश्वासन हमें क्राइम ब्रांच ने दिया।